तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। टाइम हो चुका है 4:30 हो चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ सुबह के। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ पानी गर्म, इसको पी के। सुबह सुबह आपको भी ये पानी पीना चाहिए गर्म करके, तो बहुत फायदेमंद रहता है शरीर के लिए। और वुल्फी मेरे साथ उठ चुका है सुबह सुबह। वुल्फो वुल्फो यही उठाते हैं मैं कितनी जल्दी। तो जिम का टाइम हो चुका है, तो 4:30 हैं जैसे कि मैंने बोला है, और 5 हमको जिम पहुँचना है। मैंने सबको फ़ोन कर लिया है और हम चलते हैं सीधा जिम, मिलते हैं आपको। तो ये मेरी करंट फिजिक है, आप देख सकते हैं। अभी आप सभी ने मेरी करंट फिजिक देखी, तो मैंने पहले बल्क किया था, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कट पे जाने की, और मैं करता हूँ पावर लिफ्टिंग, इसलिए मुझे धीरे धीरे कैलोरीज कट करनी पड़ेंगी। तो तभी हो सकता है, क्योंकि एकदम से एब्स लाएंगे फिर एकदम से स्ट्रेंथ चली जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं रहता। बॉडी भी ऐसे लगता है कि वीक वीक हो गई बहुत ज़्यादा। तो पहले ऐसे करेंगे, धीरे धीरे कैलोरीज कट करेंगे और धीरे धीरे एब्स लाएंगे। वैसे सही है, काफ़ी कर लेंगे 3 महीने में आराम से। 3 महीने का टाइम है, आपको एप्स देखने को पक्का मिलेंगे। तो मैं हो चुका हूँ फटाफट से रेडी, एकदम से बाइसेप में भी पंप है। तो मैंने आज सोचा है कुछ अलग किया जाए, आज हम करेंगे सिनेमैटिक शूट जिम में, क्योंकि आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले मुझे सिनेमैटिक शूट करने का बहुत ज़्यादा शौक था, मेरी पहले की वीडियो देखोगे आप, पहले डाल नहीं रखी हो तो मैं इंस्टा पे या वगैरह वगैरह डाल रखी है, तो इंस्टा पे जाके फॉलो करो आप, तो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो आज करेंगे अपन फिर से, पुराना जोश जगाना है अपन को, फिर करेंगे जिम में जाके शूट नाप वाला। आई विल ट्राई माय बेस्ट, अब मैं अपना बहुत अच्छा ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अब सीधा जिम में, और हमारी जिम ओपन होगी 5:00, तो अभी 5:00 है। तो चलो एंजॉय करो फिर आज का वीडियो। गेट तो बोल दो मम्मा, या घूमने आराम से। There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish I was a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. तो अभी हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं। अगर आपने सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करे होंगे, अगर एंजॉय करें और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब। और चला रहा है अभी गोपेश गाड़ी, है काफी सीख चुका है पहले से, तो मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है इसकी ड्राइविंग। पानी कितनी तंग आई है देखो, पानी की किल्लत पड़ के बांधने में पानी। गोपेश का घर आ चुका है जैसे आप देख रहे हैं, मिलते हैं तो इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं शाम को, और अब चलते हैं घर फटाफट से, फिर पीते हैं प्रोटीन। तो मैं अभी जस्ट घर पे आया था और मम्मी कह रही है सब्जी लेने चल मेरे साथ, मैंने प्रोटीन भी नहीं पिया। और मम्मी बताओ तो बताओ क्या क्या सब्जी लेके आए अपन? आलू टमाटर ले आना, और कुछ कम खाते हो जो ले आना। क्या क्या अच्छा लगता है जी सब्जी ले आना? हरा धनिया भी ले आना, हमको तो प्रोटीन अच्छा लगा। हम प्रोटीन खत्म हो गया, दिला देना अभी। तो आज हम जा रहे हैं बैंक, तो आज मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ बैंक, बहुत सारे पैसे ले आएंगे, करोड़ों रुपए ले आएंगे।
दस बीस करोड़ रुपया हो हंस लेगा है बदो ना आपको 10 20 कह देने के तक करोड़ का मतलब जब उन को दे अपन को कोई भी ना दे उन ना ले आएंगे अपन हां कोई नहीं तो अपना खाता मम्मी ने देगा कोई वो सागन का एक दे तो चलते हैं पहले सब्जी ले आते हैं मम्मी के लिए आके पी लेंगे प्रोटीन तो प्रोटीन तो है मेरे पास थोड़ा सा बच रहे हां अनु जगो तू गवार की पड़ी हुई कच्ची कच्ची क्यों कर रही हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है टायर पंचर हो गया अभी जा रहा था सब्जी लेने उससे पहले हो गया पंचर आप चलोगे आगे लो एक और नुकसान झेलना पड़ेगा मुझे बहुत भारी क्या करें हो गया अब टायर पंचर हो गया तो निकलवानी पड़ेगी देखते सुबह सुबह दुकान खुली मिलती है नहीं मिलती अगर नहीं मिलेंगे तो बाद में निकलवाएंगे देखते मम्मी आने कर तो रही है मम्मी चल रही होगी मेरे साथ मम्मी भी चल रही है आ जाओ खोल दियो आपको कैसे प्लान बन गए एकदम से सब्जी तो मम्मी ऐसे बोल रही तो सब्जी लेना तो आता नहीं है और चल दिया तो मम्मी आ गई मेरे साथ फाइनली तो मम्मी लेके आएगी अब लेके आएंगे बहुत सारी सब्जी अब मम्मी आ गई मम्मी थोड़ी बहुत तो लेके नहीं आएगी अब गाड़ी भर के लेके आएगी पूरी आपको वहाँ पे जो सारे ठेले दिख रहे हैं वो सब्जी के ही हैं बस जस्ट हमारे पास में ही लगाते हैं लग चुका है फाटक देख सकते हो ये फाटक ही करवाता है हमेशा लेट रात तो ट्रेन आ गई टाइम से ये आ गई ट्रेन चलो सही टाइम पर आ गई ट्रेन पहुँच चुके हैं हम सब्जियों के ठेले पे वहीं से लेंगे आगे से तो मम्मी चले गए सब्जी खरीदने वो रही मम्मी वो जो दिख रही है ना वो मम्मी है अब मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ पानी टंकी लग गई है तो मम्मी ने ले लिया बहुत सारी सब्जी यहाँ भी रखी है जैसे मैंने कहा था मेरे को पता है मम्मी दुकान पे आ जाती है जब बहुत सारी सब्जी ले लेती ये देखो पीछे को भरा है सब कुछ तो अब हवा डलवा लेते हैं टायर में हवा कम होगी पंचर वंचर देखेंगे बाद में पंचर निकलवानी पड़ेगी या नहीं निकलवानी पड़ेगी चलते हैं तो आज हमको दो भैंस होते हुए भी पन्नी का दूध खरीदना पड़ेगा पैकेट वाला क्योंकि मम्मी बताएगी इसके पीछे स्टोरी कल का ही हो हमें नीरज भैया की बच्ची है ना तो उन्होंने सारा दूध फैला दिया था नीचे मतलब फ्रिज में रखा था फ्रिज में से बाहर निकाला और उन पे मतलब थोड़ा सा ही टल्ला लगा था और वो गिर गया नीचे सारा का सारा फैल गया तो मम्मी को चाय बनाने के लिए भी दूध नहीं बचा है ना मम्मी मम्मी को पड़ोसियों के से लेना पड़ा दूध को तो मैं दिखाता हूँ मम्मी क्या कर रही है अभी मम्मी चलेगी वो दुकान पे सामान लेने रहता ये सारे सिस्टम मम्मियों का पता ही नहीं चलता कब चले जाती और कहके भी नहीं जाती पता नहीं क्या खरीद रही है अभी तो ये खरीदने गई थी आप वहाँ पे है ना ये खरीद पा गई मतलब आप वहाँ अरे मैं फंसा रही रोज नहीं मैं चोरी की तो नहीं खिलना जी और लाते उनको गुड्डा गुड्डी तो कौन वे लेके नहीं आई मैं तो जेपी सी लेके आई हूँ जेपीसी नहीं जेसीबी जेपीसी है क्या पता कैसी है बच्चों के खेलने के तो ऐसे ही आते हैं एक दस रुपए की ये दे दी तो भर लेंगी माटी मैंने की एक और दे दे कितना के दिए महंगी दी महंगी का भी 50 के दिए हां तो सब चीज महंगी होगी अब पता को है मूंछ बन गई तेरे तो जूस पीते ही हैं
ले वो और ले ले, तो फैला जो मत आओ, अभी उगर नन्नू अभी शो करिए, दोनों गिलास ले जाओ रखे जाओ रसोई में, आओ आओ। जैसे कि आपने देखा सर, मैं सब्जी लेके घर आ चुका था और फिर मैं चले गया था नहाने, फिर अब मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ। तो मम्मी को जाना है बैंक, मम्मी को लेके चलेंगे बैंक, क्योंकि मम्मी को लेके आने पैसे वहाँ पे, और कुछ काम भी है थोड़ा बहुत बैंक में, तो वो भी निपटाना है फटाफट से। और गुड्डू तो अपनी गाड़ी के साथ खेल ही रहा है जैसे कि आप देख रहे हो, तो फिर मैं होता हूँ फटाफट से रेडी। मम्मी हो चुकी है रेडी, आ गई है देख सकते हैं, फिर चलते हैं हम बैंक, अब मिलते हैं वहीं पे। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कार में, मम्मी आ रही है, और आज वैसे मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, आज देखो धूप भी नहीं खिल रही, मतलब एक नंबर मौसम हो रहा है आज। भैया ने भी बाहर ही गाड़ी खड़ी कर दी, ये धूप में सीट खराब हो जाएगी इसकी वजह से। बैंक बैंक से फ्री हो गए हम, तो मम्मी ने बहुत सारे कर लिए शॉपिंग, ऐसे मिले और मम्मी ने करी तुरंत जाके शॉपिंग। मम्मी ने काई की शॉपिंग करी बेटा, आ जाए मम्मी, मम्मी शहर में, मम्मी ये पूरा थैला भर के पैसे लेके आई है इतने सारे। तो पहुंच चुके हैं हम घर, अब खा लेते हैं फटाफट से खाना, और क्योंकि लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, फिर करते हैं आराम, फिर मिलते हैं शाम को आपसे। 5 बज चुके हैं और मैं सो के उठ चुका हूँ, तो मैं अभी 10 मिनट पहले ही उठा हूँ सो के, और मेरे इस वाले शोल्डर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सुबह हमने चेस्ट वर्कआउट किया था इस वजह से, पता ही नहीं यार क्या हो गया इसमें, यहाँ पे जोर आ गया था कोई नस-वस में, तो सुबह तो नॉर्मल हो रहा था, पर जस्ट जैसे कि मैं अभी सो के उठाऊँ ना तो दर्द ज़्यादा बढ़ गया। तो अब देखता हूँ मैं कुछ ऐसा वर्कआउट लूँगा जिसमें ये काम ना आए यहाँ से शोल्डर। तो आज हमने एक्सरसाइज तो करी नहीं क्योंकि किसी का मूड नहीं था, तो अब हम जा रहे हैं प्रोटीन का डिब्बा देने, एक दोस्त आ रहा है गोपेश कलवर से, उसको जा रहे हैं गोल्ड भी ऑन का डिब्बा देने, ऑन गोल्ड का डिब्बा दिखाइए, ये चलाने का इतना शौक लग रहा है, मेरे को गाड़ी नहीं चलाने देता आजकल, सीख के माने मतलब पूरा। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।